मंत्री अगर दो दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाए तो उनको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। मुख्यमंत्री अगर एक घंटा के लिए मुख्यमंत्री बन जाए तो उनको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। विधायक, सांसद, सबको पेंशन मिलेगा। लेकिन ये जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं ना, ये जिंदगी भर सरकारी नौकरी कर ले लेकिन बुढ़ापे में इनको पेंशन नहीं मिलेगा। क्या ठीक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? नया पेंशन के नाम पे इनका पेंशन छीन लिया है। अब देख लीजिए, ये सरकारी नौकरी करते हैं और वो सरकार है, यही फर्क है। इनके लिए छोटी छोटी चीजों के लिए बिल नहीं पास होता है और उनके लिए 175 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीद करके लाया जाता है। काहे भाई, वही देश चला रहे हैं। देश चलाने में इन लोगों की भूमिका नहीं है, उन्हीं के लिए सारा सुविधा है। बड़का बड़का पोस्टर लगा हुआ है पेट्रोल पंप पर, अब मोदी जी एकदम दांत खिसोरे उसमें फोटो खिंचा रहे हैं और उस पर क्या लिखा हुआ है कि सब्सिडी छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया बात, सब्सिडी छोड़ दीजिए। सांसदों सबका है नहीं अपना सब्सिडी छोड़ देता है, जो कैंटीन में खाता है ये अपने घर में अपना सब्सिडी काहे नहीं छोड़ देता है। इसको जो यात्रा पे सब्सिडी मिलती है वो काहे नहीं छोड़ देता है। मतलब त्याग करना जनता के कंधे पे, सारा परेशानी जनता खुद उठाए। इनके हिसाब से सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी ट्रेन नहीं होना चाहिए, सरकारी बस नहीं होना चाहिए, तो सरकारी गृह मंत्री लेकर के ढोलक बजाएंगे क्या करेंगे? ये सब हमको नजर ना आए, हम अपनी समस्या में ऑलरेडी परेशान हैं, उस पर से ये एक नया समस्या, नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। ये इसलिए खड़ा कर देते हैं कि अपनी समस्याओं से जो हम जूझ रहे होते हैं उन समस्याओं को लेकर के हम सरकार को जिम्मेदार ना ठहरा पाए। हाईएस्ट और सीट है महाराज, तो हिसाब कभी कभी गड़बड़ा जाता है। हिसाब गड़बड़ा गया, अब नया मैसेज चलना शुरू हुआ कि सीए के तहत नागरिकता दे देंगे। अब एक नया संकट है, संकट यह है कि सीए के तहत नागरिकता लेने के लिए पहले नागरिकता छोड़नी पड़ेगी ना, और नागरिकता छीनी कैसे जा रही है इसको जान लीजिए। कागज की छोटी छोटी गलतियों के आधार पर, अगर कागज की छोटी छोटी गलतियों को आधार बना करके लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी तो कागज में गलती खाली मुसलमान को होता है कि हिंदुओं को होता है? सबका होता है, मेरे कागज में भी गलती है। और किसी भी आदमी से आप पूछिएगा ना, 100 में से 50 आदमी आपको ऐसा मिलेगा जिसके कागज में गलती आपको मिल जाएगी, 100 में 50। कोई अपना वोटर आईडी निकाल लीजिए, आधार कार्ड निकाल लीजिए, आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र निकाल लीजिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, सब जगह आपके बाप का नाम सही होगा, ये जरूरी नहीं है। अब चेक करके देख लीजिए, हिंदी अंग्रेजी लिखने के चक्कर में मास्टर साहब के मूड पे निर्भर करता है। हो सकता है उस दिन हलवा बनाने के सवाल पे झगड़ा हो गया हो, जहां आई लिखना चाहिए वहां वाई लिखा गया है, कहीं MOHAD मोहम्मद लिख दिया है, कहीं MD मोहम्मद लिख दिया है, कहीं NILAM नीलम लिखा हुआ है, कहीं NEELAM नीलम लिखा हुआ है। और जन्मदिन का तो पूछिए ही मत, आधा बिहार का लोग जनवरी में जन्मते हैं, जनवरी में जन्मते नहीं है, जन्मे किसी महीना में मास्टर साहब जनवरी लिख देते हैं। इसीलिए फेसबुक पे आप देखिएगा कि आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपके फलना दोस्त का जन्मदिन है, आप भी फटाफट मोबाइल से फोन कीजिएगा, क्या जी हैप्पी बर्थडे, कहेगा किस बात का बर्थडे, फेसबुक में बता रहा था, अरे वो तो कागज वाला है। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? कागज की छोटी छोटी गलतियां और कौन फेड़ा में फंस रहे हैं। कागज बनवाना है बनवाइए।